हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग दूसरे हफ्ते भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म 100 करोड़ की दहलीज पर खड़ी है और रविवार को ये इस बड़े नंबर को भी हासिल कर लेगी। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शनिवार को 11.5 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक द लायन किंग ने 8वें दिन शुक्रवार को 5.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया और शनिवार को 9वें दिन 11.56 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म की कमाई अब 98.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये कमाई भारत में रिलीज हुई सभी भाषाओं की है। फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने मुख्य किरदारों मुफासा और सिम्बा को अपनी आवाज दी है। इसके अलावा श्रेयस तलपड़े और अशरानी जैसे अभिनेताओं ने भी फिल्म को अपनी आवाज से जीवंत बनाया है। बड़े सितारों के फिल्म से जुड़ने की वजह से फिल्म काफी चर्चा बटोर रही है। आर्यन ने फिल्म में सिम्बा को आवाज दी है, उनकी आवाज को दर्शक पसंद भी कर रहे हैं।